Hi Shweta, how are you first of all? I'm very good, very good, and I'm so glad to be on your channel. Thank you so much. Thank you. I'm following you from long time, and sare diet mere jitne bhi concepts the has changed because you talk about all Ayurveda. I'm so grateful ki aap jaise log hain jo aaj bhi is चीज को संजो के रखते हैं और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डोंट गो बिहाइंड द फैट डाइट. मैंने अपना खाना खाना शुरू किया है. इट नो मोर डाइट्स, नथिंग. आई एम एट पीस लिटरली. आई रियली लव दैट लाइन. यू नो, जब से फैट डाइट छोड़ दिया, टेंशन कम एंड यू आर एट पीस. इनफैक्ट दैट वर्क्स वंडर्स बिकॉज यू गो बैक टू द रूट्स. वी आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन. हमारी एक इंडियन ओरिजिन है. हम हमारे पुराने जमाने के फ्रूट्स एंड फलों एंड वो सब अगर चीजें अपनाते हैं, वो सब ट्रेडिशनल थिंग्स, तो वो ज्यादा हमारे बॉडी पे काम करती है एंड वो लॉन्ग टर्म रहता है. दैट इज व्हाट वी वांट टू सी, यू नो, कि वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होना चाहिए. जब तक फैट डाइट था तो सब हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, बट राइट इज सेट एंड नाउ फील लाइट आल्सो. तो दाल चावल रोटी हैज गिवन मी व्हाट आई वाज मिसिंग. I hope you have not missed your ghee also. लोग जो आपके एज के हैं सब घी को छोड़ के बैठे हुए हैं, but ghee is the main thing that we want in our diet back. Yes, and जब से घी का freedom मिला है ना, मतलब quantity, तब से तो खाना it's like, मतलब पहले craving होता था junks का, कि अब craving होता है कि literally घर के food का, मतलब अरे ट्रैवल पे नहीं हूँ, घर पे हूँ, इट्स लाइक कब ऑफिस से घर जाऊंगी और मैं अपना सब्जी रोटी खाऊंगी. इट्स लाइक अब तो उसकी वी नीड पीपल लाइक यू टू प्रमोट एक्चुअली दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल रादर देन यू नो फॉलोइंग द फैट डाइट्स. तो आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू टू पीपल हियर हु लिसन टू रेडियो ऑरेंज दैट श्वेता इज सेलिब्रिटी डाइटिशियन. और सेलिब्रिटी भी कौन से, तो जिन्हें हम सब प्यार करते हैं, लाइक दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, गीता बसरा, देन साक्षी धोनी, गौतम गंभीर, एंड लिस्ट गोज ऑन. तो वी आर सो लकी टू हैव यू, क्योंकि हमें भी थोड़े बहुत टिप्स मिल जाए कि आखिर सेलिब्रिटीज ऐसा क्या खाते हैं कि हमेशा ग्लो करते रहते हैं. सी बेसिकली यू नो सेलिब्रिटीज आर जस्ट लाइक ह्यूमन, हमारे जैसे ही लोग है. पर यू नो व्हाट, हमें अगर 1 to 10 की फिटनेस लेवल देखनी होती है, देन व्हेन दी सेलिब्रिटीज कम, वो लोग 8th और 9th पे लेवल पे ऑलरेडी होते हैं. मुझे सिर्फ थोड़ा सा उनको पुश देना होता है एंड दे अचीव देयर गोल ऑफ देयर स्किन, देयर हेयर, देयर व्हाटएवर द रोल डिमांड्स, यू नो. बट हम जैसे ऐसे कॉमन पीपल है जो आर फिटनेस लेवल इज एट 2nd 3rd, तो उसको लेते लाते लाते मुझे काफी कुछ टाइम लग जाता है, यू नो, टू अंडरस्टैंड, मेक देम अंडरस्टैंड. उनकी गट क्लीनिंग करो, उनका पहले लीकी गट सिंड्रोम, लाइक बहुत कुछ काम करना पड़ता है उनके पीछे. सो दीज सेलिब्रिटीज आर बेसिकली पीछे, उनके पीछे बहुत बड़ा क्रू रहता है कि उनको कुछ भी खाना चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, क्या भी चाहिए, वो सब कुछ उनको हाथ पे मिल जाता है, यू नो. एंड देयर फिटनेस लेवल लाइक 2 hours इज व्हाट दे वर्क आउट. हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है. वी कॉमनर्स, वी डोंट हैव टाइम. इवन यू मी, वी डोंट हैव 2 hours में हम जाके उधर काम करें. तो ओनली प्रॉब्लम विद देम, विद मी, व्हेन आई प्लान देयर डाइट इज ऑलवेज कि उनका रात का जो रूटीन रहता है, जो रात की उनकी शूट्स रहती है, वहां हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है. अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. Now when you go back to their skin and their hair and their glow, as I told you before also, since they are on their 9th and 8th level of their fitness, matlab unka gut bahut clean hai andar se. All right, they always into that clean eating mode. Kabhi bhi kuch bhi agar vacation mein kuch gadbad karke aate hai, to wapas we try to just give them 1 or 2 cleansers aur unki clean ho jati hai, and that is how it shows on the skin, because they always very cautious about what they are eating. कैसे भी कुछ भी वो लोग नहीं खाते हैं. और हम तो बहुत सारे लोग सैटरडे संडे जंक फूड ये वो सब कुछ करते हैं, बाकी दे डोंट ईट जंक. लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू. ऑलराइट, इवन इफ दे आर ईटिंग आउट ऑफ दोस 14 मील्स, शायद बीइंग अ ह्यूमन नेचर उनको 1 मील या 2 मील वो लोग जंक खाते होंगे, अदरवाइज दे डोंट ईट. सो ऑलवेज टेल यू नो व्हाटएवर इज विद इन यू इट इज बीन शोन ऑन योर स्किन. सो अगर आपकी अंदर की क्लीनिंग, गट की क्लीनिंग अच्छी है, तो वो अपने आप स्किन पे दिखेगी. तो अगर हम
चाहे कि अपना गट अगर एक नॉर्मल हमारे किचन के जो फूड है उनसे अगर अपना गट क्लीन कर सके, तो आप ऐसा क्या फूड करते हैं कि जिससे गट को बहुत है? सो बेसिकली अगर आप मुझे सब अच्छे से अगर मुझे आप पूछते हो कि मैजिक इंग्रेडिएंट जो हमारे किचन में होना ही चाहिए, सो उसमें फर्स्ट इज योर घी. घी इज अ मस्ट इन योर डाइट. जिसको भी कॉन्स्टिपेशन की इश्यू है, खाली आप थोड़ा सा 1 टीस्पून घी एम्प्टी स्टमक वार्म वाटर में लेना स्टार्ट कर दीजिए. यू विल ब्लेस मी विद इन 2 डेज. ट्रस्ट मी, इट वर्क्स वंडर्स. सेकेंड इज एश गॉर्ड जूस, जो पेठे का जूस हम बोलते हैं, विच इज वेरी एल्कलाइन इन नेचर, विच इज वेरी गुड फॉर योर स्किन अगेन. एंड द थर्ड जो हम बोलते हैं कोकोनट. आई ऑलवेज बिलीव इन कोकोनट, बिकॉज अगर आप कोकोनट को भी बोलते हैं कि श्री फल बोलते हैं हम उसको, दैट्स द ओनली फ्रूट जिसको श्री करके नाम दिया गया है. यू नो, जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनीस को भी पता था कि कोकोनट कितना इम्पोर्टेंट है. मतलब उन्होंने हर एक इवेंट्स में कोकोनट एक मैंडेटरी बना दिया था. अगर किसी की डेथ होती है या किसी का बर्थ होता है या किसी का पूजन है या कोई भी है, प्रसाद में हम कोकोनट देते हैं, बिकॉज दे न्यू दैट इट इज सो न्यूट्रिटिव टू एंड वेरी गुड फॉर द बॉडी. ऑलराइट. यस एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन व्हिच आई वुड सजेस्ट इज द स्प्राउटेड ग्रेन्स. स्प्राउट्स जो क्या बोलते हैं, हाँ, सो स्प्राउटेड ग्रेन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डाइट. सो ये दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि ब्लाइंडली आप ये फॉलो कर सकते हो एंड यू विल गेट अमेजिंग गट रिस्पॉन्स. आईव हर्ड ऑफ दही कि दही, रात को चाहिए, दिन में लेना चाहिए, तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनकी टाइम शुड बी प्रॉपर? सी मेजोरिटी इट इज द दही जो हम रात को नहीं बोलते कि मत खाओ. ओके, इवन द फ्रूट्स वी ट्राई टू ऑलवेज रिकमेंड इन द मॉर्निंग्स, दैट्स द ब्रेकफास्ट टाइम, बिकॉज दैट एक्ट्स लाइक अ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फॉर द होल सिस्टम ऑफ द बॉडी. हम फ्रूट्स कभी भी 4 बजे के बाद रिकमेंड करते ही नहीं है, बिकॉज यू नो हमारी डाइजेशन थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, बिकॉज वी फॉलो द सर्कैडियन रिदम. लाइक मॉर्निंग्स में इट इज वेरी ना, बहुत एक्टिव नहीं रहती है, लिटिल लाइट एक्टिव रहती है ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट टाइम. ऑलराइट, सो दैट टाइम फ्रूट्स रियली गेट डाइजेस्टेड वेरी क्विकली. फिर लंच आता है जहाँ पीक टाइम रहता है, तो यहाँ हम ज्यादातर खाना देते हैं. एंड देन डिनर टाइम इज वेयर द डाइजेशन अगेन्स गो स्लो. सो वी ऑलवेज से टू हैव अ लाइट डाइट, बेसिकली फ्रूट्स एंड योर क्या बोलते हैं, योर योगर्ट. एंड इवन देर इज दिस विरुद्ध आहार जो हम बेसिकली बोलते हैं कि किसी को मिक्स मत करो. लाइक जैसे स्मूदी, जैसे इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर हो जाता है अभी आजकल, लोग नए नए स्मूदीज दिखाते हैं, पर अगर स्मूदी में आपने फ्रूट को, किसी भी फ्रूट को मिल्क के साथ मिक्स किया, देन इट इज अ विरुद्ध आहार फॉर योर बॉडी. दैट्स गोइंग अगेंस्ट योर स्किन ऑल्सो, फ्रेंकली स्पीकिंग. जो आपको स्किन पैचेस होते हैं, सोराइसिस होती है, एक्जिमा होता है, ऑल दैट इज बिकॉज ऑफ द विरुद्ध आहार इन योर बॉडी. सो फिश एंड मिल्क है, फिश एंड कर्ड है, बिकॉज यू मैरिनेट द फिश एंड चिकन. यू हैव द चीजी फूड्स विथ डाइट कोक, ऑल दैट यू शुड नॉट डू इट, दैट इज कॉल्ड विरुद्ध आहार. आमरस के अंदर आप ड्राई जिंजर पाउडर, दैट इज पिंच ऑफ ड्राई जिंजर पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ घी इन साइड द आमरस. ये आपकी दादी नानी करते होंगे, पर लोगों ने वो सब माइनस करके सिर्फ आमरस तक पहुंच गए. बट ट्रस्ट मी, वेन यू डू दिस, इट रियली एक्ट लाइक एन एंटीडोट इन द आमरस एंड इट विल बी इजीली डाइजेस्टेड ऑल्सो. त्री दोषास लाइक वात पित्त कफ, तो उनके हिसाब सर्टेन डाइट्स फॉलो करना चाहिए. और लेकिन सबसे पहले किसी मतलब 90% ऑफ क्राउड को पता ही नहीं होता है कि वो कौन से दोषा को बिलोंग करते हैं, तो राइट. वो पता करना कि हमारी कौन सी कैटेगरी है. ओके फाइन. सी, पहले तो जिसको नहीं पता है दोषास क्या है, दैट इज द वाता पित्ता एंड कफा. राइट, जैसे पूरी दुनिया में 5 एलिमेंट्स रहते हैं, दैट इज एयर, वाटर, स्पेस, फायर एंड अर्थ. ओके, पूरी आपका मोबाइल है, आपकी पैन है, आप खुद की बॉडी है, लिविंग नॉन लिविंग जो भी है, सब ये 5 एलिमेंट्स से ही बने हुए हैं. राइट, सो योर बॉडी हैज गॉट ऑल दीज 5 एलिमेंट्स, बट इस 5 एलिमेंट में कभी कभी आपके कोई एलिमेंट ऊपर नीचे होते रहते हैं. राइट, सो अभी हमें उसकी, जैसे आपको ब्लड ग्रुप, हर एक जन को ब्लड ग्रुप पता है, वैसे आयुर्वेदा के हिसाब से आपको अपनी प्रकृति जानना बहुत जरूरी है. अगर आपने जान लिया तो आपको पता चलता है कि आपको कौन से फूड्स खाने चाहिए और कौन से फूड्स नहीं खाने चाहिए इन योर डाइट. बेसिकली लाइक समझो कि आपकी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली आप बी पॉजिटिव का ब्लड तो डालोगे नहीं. राइट, सेम वे अगर वाता पित्त कफा का अगर आपको समझ में आ जाता है, देन यू विल कम टू नो व्हाट यू हैव टू अवॉइड एंड व्हाट यू कांट अवॉइड. राइट,
सो दैट इज वात पित्त कफ एंड द डुअल, इधर वात पित्त कफ और कफ वाता. ऑलराइट, ओके. ना अगर आप वाता हो तो वाता पीपल को ना कैसे होता है पता है, एक इट्स लाइक एयर, उनकी उनमें एक एयर क्वालिटी जैसा रहता है, वो एक जगह पे कभी बैठ नहीं पाते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं. इवन व्हेन दे आर टॉकिंग दे स्विच फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक विदाउट एनी कनेक्शन, एंड दे यू नो अगर उनका मोबाइल या कोई भी लैपटॉप भी ओपन रहता है देन ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर ऑलवेज ओपन, दे रिफ्यूज ऑल्सो टू क्लोज, जब भी टाइम मिला तभी वो लोग बंद करते हैं. और मे बी दे आर पीपल हु लव ट्रैवलिंग, उनको ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है, उनको स्वीट्स खाना बहुत अच्छा लगता है, दे टॉक अ लॉट विद देयर कोर ग्रुप, बट वो जब भी इम्बैलेंस हो जाती है देन दे हैव लॉट ऑफ गैस, लॉट ऑफ ब्लोटिंग एंड लॉट ऑफ डाइजेशन इश्यूज with the vata person, all right? And these are the people जिसमें anxiety और depression जल्दी आ जाता है, वो जल्दी anxious हो जाते हैं basically when the vata element goes hyper imbalance, all right? Then I come down to pitta prakriti. Pitta prakriti is very very jolly, very enthusiastic, very you know they are the jewel of the group. मतलब उनको तो बुलाते किसी भी group में you know, and they have a very nice speech. They can attract people like anything. They have the quality of being a CEO. They have amazing leadership qualities. They expect a lot from themselves as well as from the others. But they are very hot headed also. उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, छोटी छोटी बातों में उनको गुस्सा आता है. अगर कोई इवन इफ इट्स अ चाइल्ड एंड हमको पता चलता है कि ये भाई पिता प्रकृति का है तो मुझे उसकी मम्मी को बोलना पड़ता है कि भाई आप ना उसका 1 बजे का लंच है तो 12:30 में ही रेडी रहना, वरना ही विल गो नट्स इफ इज नॉट गेटिंग गुड फूड ऑन टाइम. यू नो कभी कभी किसी को खाने भूख लगती है तो ऑल द मो दे गेट एंग्री एंड क्रैंकी. सो दोज आर पिता पीपल. एक्चुअली पिता पीपल जब भी वो एकदम ही आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है देन देयर इज लॉट ऑफ एसिडिटी, लॉस ऑफ एसिड रिफ्लक्स, लॉट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शंस आल्सो बिकॉज़ ऑफ पित्त इनसाइड द बॉडी. ऑलराइट, ओके. नाउ वी गो टू द काफा प्रकृति. काफा प्रकृति इज लाइक वेरी कम्प्लेसेंट, जैसे हाथी के जैसे रहते हैं, उनको कितना भी पोक करो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. दे आर लाइक चिल आउट, मुझे दूर रखो तुम्हारे सब टेंशन प्रॉब्लम से, यू नो. बट दे आर वेरी लविंग, वेरी केयरिंग एंड दे आर नॉर्मली इन टू कंसल्टिंग जॉब्स लाइक टीचर, मे बी सम साइकेट्रिस्ट, ऐसे जॉब्स वो ज्यादा प्रिफर करते. दे डोंट लाइक डूइंग वर्कआउट, उनको एक ही जगह पे बैठना अच्छा लगता है. दे आर लाइक couch potatoes type, you know. They also can sleep any time of the day, kitna bhi ghanta unko sona, kabhi bhi so sakte wo log. And that is the reason when it goes imbalance, no, their metabolism is very low, very low. हमें उसको पुश कर दीज आर द पीपल जो बोलते हैं ना कि सिर्फ हवा खाती हूँ या पानी पीती हूँ, आई पुट ऑन वेट. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द काफा प्रकृति. सो उनकी मेटाबॉलिज्म पहले से ही बहुत स्लो होती है. सो वी हैव टू पिक देम अप अ लॉट, दे नीड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन व्हाइल स्टिकिंग ऑन द डाइट. अगर उन्होंने 100 ग्राम भी नहीं देखा तो वो लोग डाइट छोड़ देंगे. यू नो दीज आर द पीपल लाइक अ काफा पीपल, जो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको वर्कआउट करने को मन नहीं करता है. दे नीड समबडी लाइक अ ट्रेनर ऑन देयर हेड जो उनको वर्कआउट करवाए. एंड यू नो बेसिकली दे आर वेरी लो मेटाबॉलिक रेट पीपल, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही कम रहता है, वेरी स्लगिश दे आर basically, and their fat content is also very high than the vata as well as the pitta. So these are the characteristics. Very briefly, I'm describing. इसमें थोड़ा थोड़ा आपको पता चल जाता है. Like even I want to point out on the water intake. बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ 1 या 2 glass पानी पीते हैं. So these people are vata people actually, because vata people को कभी भी प्यास लगती ही नहीं है. Okay, okay. कितनी भी न्यूट्रिशनिस्ट बोल देना कि तुम 2 लीटर पियो 3 लीटर पियो, वो 2 वीक पियेंगे, तीसरे वीक जाए वहां ही आ जाएंगे. बिकॉज दे इवन सामने भी बॉटल पड़ा रहेगा, दे विल नॉट ड्रिंक बिकॉज देयर बॉडी इज नॉट डिमांडिंग फॉर वाटर. सो फॉर दीज पीपल आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू कि भाई कुछ नहीं तो 1 लीटर पानी पी लो, डोंट मिस यूज इट, जस्ट 1 लीटर पानी पी लो, बस हो गया. आपको पूरा पूरा कवर अप हो जाता है, यू नो. बट डोंट मिस यूज इट, ज्यादा भी 3 लीटर 4 लीटर वाता प्रकृति को पीने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज दे आर गोइंग टू रिटेन दैट मच वाटर एंड दे विल ब्लोट ऑल द मोर अदरवाइज. ओके, सो बट क्योंकि कॉन्सेप्ट है, हर कोई एक ही बात करता है कि कम से कम 5 लीटर पानी पियो. सेलिब्रिटीज का भी इंटरेस्ट हो तो वो बोलते हैं हम पानी पियो द टाइम. तो वो कॉन्सेप्ट आपको सुना है बीच में, क्योंकि इतना पानी पीने की जरूरत नहीं है आपने कहा था. Only drink when you are thirsty, and it is only a kapha person who can drink more water. Pitta also drinks, but 2-2.5 liters is more than enough for them.
don't drink more than 2.5-3 liters or drink only when the body is demanding for it. Okay. तो पानी से एक question और out of the box जाके मैं पूछूँ, like is it really worthy? Like I'm also sitting with my copper का bottle. तो क्या yes. में इसकी है कि ये भी fad है क्या? मतलब no, fad नहीं है. See, copper bottles हम पहले से use कर रहे हैं. All right, but right now the copper that we are getting is not of a good quality. Actually, request everyone to have the water from the matke ka pani. Genuinely black mitti jo aati hai, black mitti, ya to fir wo lal mitti wala matka jo aata hai. Even bottles we are getting of mitti cool. Please drink the water from there rather than having any kind of copper bottles or steel bottles because they are not genuine. In fact, they are aur bhi side effects karte. Especially during your digest. Yes. My God. आपको और भी heavy feeling होगी. आपको लगेगा मैं अच्छा तरह से खाती हूँ पीती हूँ फिर भी मुझे bloating gas क्यों होती है? It's all because sometimes there are few things which we are going wrong. And these copper bottles are wrong. I have observed it throughout my experience. I am not seeing good results with these copper bottles. Yes, because अभी इसको use करते करते मतलब 1-1.5 साल हो गया लगभग. I'm not actually noticeably कोई change मुझे कभी लगा नहीं, but still वो अच्छा करके we are using it. अच्छा, but we don't even doubt. Yes, we don't even doubt these bottles. But yes, आजकल के copper bottles I would not recommend.